हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार कुछ दिनों से आपको लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैं आपको भाषा के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न और उसके लेखन की रीति को बताते हुए चल रही हूँ। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ी भाग दो के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि समझने का प्रयास करेंगे कि आपके भाषा और लिपि से भाषा आयोग से किस प्रकार के प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा हिस्सा जो अपने अंक के आधार पर रखता है वो है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाओं से, और तीसरा हिस्सा रखेंगे थोड़ा सा पद टिप्पणी जिसे ट्रांसलेशन वर्ग कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देरी किस बात की, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन है हमारे लिए आपकी बोली उपबोली से, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत बोली उपबोली की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ जो बोली है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ ही मुख्य बोली है, परंतु इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की उपबोलियों के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ी का जन्म कहां से हुआ है, तो आर्य भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म जो है वो हुआ है। कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको पता है कि भारतवर्ष के अंतर्गत जब हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो 2000 से पहले यह मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग हुआ करता था। जब भाषाओं पर सर्वे का काम किया गया तो ये पाया गया कि एक ऐसा क्षेत्र था जो पश्चिम की तरफ शौरसेनी से प्रभावित थी, जो शौरसेनी शूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी, और दूसरा क्षेत्र था पूर्व का जो मागधी से प्रभावित थी। पूर्व मागधी से ज्यादा प्रभाव पड़ने की वजह से इसे अर्ध मागधी नाम दिया गया। अब इसके बाद वो क्षेत्र जो भारत में हिंदी का क्षेत्र बनाते हैं या हिंदी का प्रयोग करते हैं, उन क्षेत्रों के आधार पर उसे हिंदी को 5 प्रकार की उपभाषाओं में बांट दिया गया, यानी 5 प्रकार की हिंदी में वर्गीकृत कर दिया। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसी भाषा के वर्गीकरण में से पूर्वी हिंदी में 3 प्रकार की बोलियों के साथ में आपको देखने को मिलता है, जिसमें उन 3 बोलियों में हमारे अंचल विशेष में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी के प्रयोग किए जाते हैं। और इस आधार पर हिंदी भाषा का अगर हम कहें तो पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी बोली का जन्म हुआ है। और अगर कहा जाए किस अर्धमाग आपके अपभ्रंश से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो यही पूछा है कि पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ की 2 भगिनियां कौन सी है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि विभाषा, भाषा और आपकी बोली उपबोली क्या होती है। भौगोलिक स्थानीय क्षेत्रीय सीमा दायरे के भीतर प्रयोग होने वाला, जिसका स्रोत अनार्य है, किसी क्षेत्रीय प्रांतीय दायरे के भीतर घरेलू शब्दों और लोक व्यवहार में प्रयोग होने वाली, जिसका व्याकरण नहीं होता न ही शासन उसे मान्य करता है, तो इस पक्ष को बोली कहा जाता है। छत्तीसगढ़ ही हमारे राज्य की मुख्य बोली है। दूसरी बात कि इसी बोली के अंतर्गत अगर छोटी छोटी उपबोलियां आती हैं तो किसी मुख्य बोली के अंतर्गत आने वाली बोलियों को उपबोली कहा जाता है। जब किसी बोली ने अपना एक लिखित रूप धारण कर लिया और साहित्यिक रचनाओं के लिए अपना प्रयोग करने लगी और अपना क्षेत्रीय दायरा बढ़ाने लगती हैं, तब बोली से उसे उपभाषा या विभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसा करते हुए जब किसी राज्य की सरकार उस भाषा का प्रयोग जो व्याकरण सम्मत शुद्ध हो जाती है अगर अपने प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए करती है, तब वह उस राज्य की बन जाती है राजभाषा। इसके लिए उसे क्या करना होगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वयं को लिखित रूप में दर्ज करवाना होगा। यह विडंबना है कि छत्तीसगढ़ ही बोली आज भी 8वीं अनुसूची में लिखित रूप में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है, इसलिए महज यह बोली के नाम से प्रभावित होती है। परंतु फिर सामाजिक तौर पर अगर हम कहें
या हम एक साहित्यिक तौर पर कहें तो इसमें भी साहित्य की रचनाएं हुई हैं, 19वीं शताब्दी से साहित्य की रचनाएं हुई हैं, साथ ही इसके लिखित प्रमाण भी हमें प्राप्त हैं, इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी इसका योगदान देखने को मिलता है, परंतु सिर्फ एक कमी कि 8वीं अनुसूची में अपना इसने अब तक स्थान दर्ज नहीं करवाया है, इसलिए छत्तीसगढ़ी को केवल हम परीक्षाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा तो कहते हैं परंतु इसकी पहचान आज भी बोली के तौर पर है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ अंचल के अंदर प्रशासनिक कार्यों का संपादन हिंदी भाषा में किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इस आधार पर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर आप लिखेंगे, दो रूप में लिख सकते हैं कि पूर्वी हिंदी की समर्थ, क्या लिख सकते हैं? पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा, पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की, छत्तीसगढ़ी की दो भगिनिया, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी की दो भगिनिया, भगिनी का मतलब होता है बहने, ठीक है ना। और एक बार इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ की दो सहचरी बहनों के नाम बताइए, ये भी पूछा जा चुका है, तो भगिनिया कहें या बहन कहें, ठीक है ना। तो पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की दो भगिनी बहनिया निम्न है, या कह सकते हैं कि दो भगिनी बहनिया अवधि और बघेली है कह सकते हैं, या निम्न है कह सकते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे कि अवधि और बघेली, अवधि और बघेली, ठीक है ना, ठीक है। और अवधि और बघेली को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं? दो रूप में इसका आंसर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की दो भगिनिया निम्न है अवधि और बघेली, या आप क्या लिख सकते हैं, पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की दो भगिनिया अवधि और बघेली है, ठीक है। दो नंबर का अब दिया है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी की किन्हीं दो बोलियों का नाम लिखिए। अब जिस तरह हिंदी को 5 वर्ग में बांटा, वैसे ही जब छत्तीसगढ़ के अंदर बोली उपबोली का सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर 3 प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति अपनी जाति को प्राथमिकता देता है, लाइक सतनामी, पंडो, पनकी, मरारी, है ना। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पर आपका चर्मशिल्पी है, इसी प्रकार आपका बिंझवार है, इसी प्रकार आपका बैगा है, ये सभी ऐसे है, देवार है, इन सभी ने अपनी जाति को प्राथमिकता दी। कोई ऐसे थे जो दूसरे राज्य से प्रभावित थे जैसे कि लरिया और खलटा ही, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य स्थान को नाम दिया जैसे कि आपका इस्तेमाल में जशपुरिया, सरगुजिया, इसी प्रकार बिलासपुरी, रायपुरी, रतनपुरी, बस्तरी, कांकोरी, ऐसा कहकर। ऐसी सिचुएशन में यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रभाव की जो छत्तीसगढ़ी थी, तो नरेंद्र देव वर्मा ने शिवनाथ नदी को माध्यम मानकर इसके 5 वर्गीकरण कर दिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नहीं है, तो मैप बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दूं, 5 वर्गीकरण कर दूं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर 5 वर्गीकरण किए, इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने केंद्रीय छत्तीसगढ़ ही, जिसमें बाह्य भाषा के प्रभाव से मुक्त वाली बोली उपबोलियों को स्थान दिया, दूसरा था पूर्वी छत्तीसगढ़ी जिसे उत्तरी छत्तीसगढ़ी कहते हैं, जिसमें पूरी तरह से उड़िया का प्रभाव था, तीसरा था पश्चिमी छत्तीसगढ़ी जिसे बुड़ती कहते हैं, जिसमें बराठी और बुंदेली का प्रभाव था, चौथी थी उत्तरी छत्तीसगढ़ी जिसमें पूरी तरह से आपकी बघेली, उराव का प्रभाव और थोड़ा सा भोजपुरी का मिश्रण देखने को मिलता है, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी जहां 3 प्रकार का प्रभाव है, पश्चिम से मराठी, पूर्व से उड़िया और दक्षिण से गोड़ का प्रभाव, और इस तरह दक्षिणी को रक्सहू छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। प्रश्न ने क्या पूछा है? पूर्वी छत्तीसगढ़ी की दो बोलियों के नाम लिखिए, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? पूर्वी छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, और यहां पर आप उसको मेजर कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का है कि उड़िया तत्व मिश्रित, ठीक है ना, उड़िया तत्व मिश्रित, यानी कि सबसे ज्यादा किसी राज्य को छूता है पूर्व में तो उड़ीसा को छूता है, तो उड़िया तत्व मिश्रित इसके अंतर्गत आप किसको रखेंगे? उड़िया तत्व मिश्रित है, आप बगल में ही लिख सकते हैं, बगल में ही लिख सकते हैं, जैसे कि यहां लिख सकते हैं जैसे कि कालंजिया,
ठीक है, इसी प्रकार लिख सकते हैं कलंगा, ठीक है, ये दो ही लिखने बोला है तो दो ही लिखेंगे, अदरवाइज इसके अंतर्गत कालंगिया, कालंजिया, कलंगा, भोलिया, लरिया, चर्मशिल्पी, इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो कलंगा, कालंजिया, चर्मशिल्पी, ठीक है ना, उसी प्रकार आपकी आती है इसमें आपकी भोलिया और लरिया, ठीक है, और प्रमुखता कौन रखती है, लरिया। तो यदि आप चाहें तो कालंजिया और लरिया यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कालंजिया और लरिया, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपकी पूर्वी छत्तीसगढ़ी की दो बोलियां हैं। तो किसी भी दो बोली का नाम लिखना है आपको, लिखना पड़ेगा पूर्वी छत्तीसगढ़ी उड़िया तत्व के मिश्रित वाली बोली है, जिसमें दो बोलियां है, कालंजिया, कलंगा, भूलिया, लरिया, चर्मशिल्पी, बिंजवारी। अब इसमें से आपकी सबसे प्रमुखता कौन लगती है, लरिया। और इस तरह आपको किसी भी क्षेत्र विशेष से प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की लिपि और राजभाषा आयोग से। पहली बात कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी एक प्राचीन लिपि का प्रयोग होता था, जिसने भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए जन्म दिया, वो थी हमारी ब्राह्मी लिपि। तो कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भी छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत 6वीं-7वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं के समय में किया जाता था। इस समय हल्बी और गोणी लिपि भी प्रचलन में थी, परंतु हल्बी और गोणी क्योंकि वंश प्रभाव था इसलिए धीरे धीरे लुप्त हो गई और ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग जो है छत्तीसगढ़ लेखन के लिए इसके प्रयोग के तौर पर जो आपके शिलाखंड हैं, ताम्रपत्र हैं, उसमें विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। इसी लिपि के बाद अगर हम बात करें तो 1885 में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करके मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा एक व्याकरण की किताब निकाली गई, नाम था छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण, जिसको पढ़ा उस समय के भाषाविद सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि लोचन प्रसाद पांडे की मदद से उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, कलकत्ता के बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में छपने के लिए भेजा और कलकत्ता की जो शोध पत्रिका थी उसमें यह छपकर आई थी। नाम था अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के नाम से। इसके बाद 1921 में लोचन प्रसाद पांडे ने नए रूप से उसका संवर्धन करके नए नए चीजों के साथ में स्पष्टीकरण के रूप में नए रूप में उसे निकाला और वो थी हमारे लिए अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी के नाम से। तो कुल मिलाकर यहां पर लिपि कौन सी प्रयोग की जाती है, देवनागरी लिपि, जो किससे अवतरित हुई है, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से प्रश्न क्या बन रहा है कि छत्तीसगढ़ की लिपि और राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक महापुरुष और साहित्याचार्यों ने यह कोशिश करी कि जिस प्रकार अलग अलग प्रांत में अपनी प्रांतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो क्यों ना छत्तीसगढ़ ही बोली, जो न केवल स्थानीय परिवेश में प्रयोग हो रही है, एक बोली को भाषा बनने के लिए साहित्यिक प्रभाव से भी अपनी पहचान बनानी होती है, तो छत्तीसगढ़ ही बोली जिसका सबसे पहला लिखित रूप 1885 में देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद 1904 में आई कलिकाल नामक नाटक जो लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा सदरी कोरवा भाषा में लिखी गई थी, इस वजह से छत्तीसगढ़ साहित्य में आपके भीष्म पितामह की उपाधि लोचन प्रसाद पांडे को मिली और कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी से इसमें लेखन का दौर जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में या फिर उस समय की साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से बहुत सी किताबों को प्रकाशन मिला जो हमें आज तक प्राप्त है, कुछ ऐसे हैं जो पांडुलिपि के तौर पर आज भी पुरातत्व विभाग में पड़ी हुई हैं। इसलिए सारी खूबियों को ध्यान में रखकर जिस तरह हिंदी के अंतर्गत एक आयोग है जो हिंदी की भाषा वर्तनी हर चीजों का ख्याल रखती है, नई चीजों को लाना, जोड़ना, सभी प्रकार की चीजों का प्रयोग करती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद एक महसूस की गई कमी कि क्यों न इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करा दिया जाए, त्रिभाषा सूत्र के तौर पर इसका प्रयोग किया जाए, साथ ही प्रशासनिक कार्यों के लिखित संपादन के लिए इसका प्रयोग किया जाए, और यही महसूस होने की वजह से राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
राजभाषा आयोग का जब गठन किया गया तो सबसे पहले एक विधेयक पारित किया गया, विधेयक पारित करने के बाद में एक बैठक हुई, उसके बाद सभी भाषाविदों ने तीन उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना जिस दिन हुई थी, विधेयक जो पारित हुआ था उस वजह से उस दिन को जो था 28 नवंबर, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के तौर पर मनाते हैं। और इसी के अंतर्गत उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस कार्यक्रम को संभालने के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें सचिव के पद रहे, अध्यक्ष के पद रहे। इन तीन उद्देश्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचलन प्रचार प्रसार में हमेशा से योगदान देने वाले जो साहित्यकार थे या भाषाविद थे उनके सम्मान में कुछ जो है वो आपके प्रांतीय सम्मेलन किए जाने लगे, प्रचार और प्रसार किया जाने लगा, और जो साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं उनके सम्मान में पुरस्कार की भी घोषणा जो है वो की जाने लगी। तो उसी से संबंधित प्रश्न आपको यहां पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 2 नंबर का क्या कहता है कि 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को सम्मिलित कराने से क्या लाभ होंगे। कितने प्रश्न नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, 8वीं अनुसूची में क्या लिखेंगे, 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को सम्मिलित कराने से निम्न लाभ होंगे, निम्न लाभ होंगे। ठीक है, ठीक, ऐसा कर दिया। अब यहां पर लिख दिया नंबर 1, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे तो क्या होगा, प्रशासनिक कार्यों का संपादन हिंदी भाषा की जगह छत्तीसगढ़ी भाषा में किया जाएगा, त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिक से उच्च स्तर की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाएगा, तीसरा छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का संवर्धन प्रचार और प्रसार और इसके विकास में नवीन कार्यों को करने के हेतु इसमें एक विशेष प्रकार का योगदान होगा। इस तरह आप इसकी 2 या 3 आपके लाभ जो है वो लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अंचल से बाहर भी इसकी पहचान जो है बड़ी तीव्र गति से लोगों तक पहुंचेगी। क्लियर हो गया। अब बारी आती है छत्तीसगढ़ी और देवनागरी लिपि पर अपना संक्षिप्त विचार लिखिए, ये दिया है केवल 2 अंक का, ठीक है ना। यहां पर 1 नंबर छत्तीसगढ़ी बोली और उसको लिखने वाली देवनागरी पर अपना परिचय देना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत प्रयोग होने वाली बोली जिसे छत्तीसगढ़ी बोली कहा जाता है, स्थान विशेष की वजह से इसे छत्तीसगढ़ी बोली कहा जाता है, परंतु यहां राजाश्रम में प्राप्त जो भी शिलाखंड ताम्रपत्र मिले हैं उन सभी को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि के प्रयोग किए जाते थे। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा इस बोली का लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया और वर्तमान में समाचार पत्र पत्रिकाओं में जितने भी लेख अंक जितने भी साहित्यिक गतिविधियों का प्रचार और प्रसार करने हेतु लेखन होता है इसके लिए हिंदी में प्रयोग होने वाली देवनागरी का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह 2 नंबर का है परंतु उत्तर पूरा स्पष्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है अगला कि प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षा के माध्यम के रूप में छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के महत्व पर अपने विचार लिखिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षा के माध्यम से अगर छत्तीसगढ़ी को रखेंगे तो इसका क्या महत्व होगा, तो आप बहुत अच्छे से सजा कर लिख सकते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम उद्देश्य को पूरा करने हेतु आने वाले भविष्य में प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु जिस भाषा पर प्रयोग करने पर बल दिया जाएगा वो होगी छत्तीसगढ़ी की भाषा। इसकी वजह से इसकी शुरुआत प्राथमिक कक्षाओं से ही कर देना अनिवार्य होगा। प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर की कक्षाओं में त्रिभाषा सूत्र के तौर पर अगर यह छत्तीसगढ़ी का पढ़ाया जाएगा तो मातृबोली छत्तीसगढ़ी को न केवल छत्तीसगढ़ के अंचल बाकी इससे बाहर के लोग भी इससे प्रभावित होंगे, इसलिए मातृभाषा के तौर पर छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक कक्षा में शिक्षा के माध्यम से स्थान दिया जाना चाहिए।
क्लियर। अब है राजभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के वर्तमान स्वरूप को रेखांकित कीजिए। हालांकि 28 नवंबर को इसे राजभाषा के तौर पर जो विधेयक पारित तो किया गया था, लेकिन कहने वाली बात है कि आज तक ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई है। तो क्या लिखेंगे भारत के क्या लिखेंगे छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत हालांकि अब भी प्रथम राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु किया जाता है, परंतु वर्तमान में जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी आपके सचिवालय हैं, जितने भी प्रशासनिक स्थल हैं, वहां पर जो वर्तमान समय में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो आवेदन है वह राजभाषा हिंदी के अलावा छत्तीसगढ़ी में भी मान्य है। दूसरी बात, जो भी विधेयक अपने चुनाव के बाद जीत धारण करते हैं वो विधेयक पार्षद सरपंच जो भी हैं, अगर अपनी शपथ लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत अगर वो चाहें तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्तमान स्वरूप में राजभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए राजभाषा आयोग मानकीकरण समिति का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंतर्गत प्रशासनिक शब्दों के लिए निर्धारित शब्दकोश का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों के संपादन के बढ़ते प्रयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ी की धीरे धीरे शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भी 2 नंबर का है, हालांकि मैंने इसमें बहुत डिटेल में चीजें बताई है ये सोचकर कि ताकि आप इसका उत्तर लेखन अपने माध्यम से उसे 2 नंबर में सटीक रूप से प्रयोग करें। 2 नंबर का है, 2 लाइन दिया जाएगा, दिए हुए लाइन में ही लिखना है और ध्यान करिएगा कि आपका लेखन जो है पूरा होना जरूरी है। यदि आपने अपने उत्तर लेखन को स्पष्ट नहीं किया, मान लीजिए लिख दिया कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के प्रयोग होने से छत्तीसगढ़ी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, तो यहां पर आपने सिर्फ 0.5 नंबर के बराबर चीजों को लिखा है। तो थोड़ा दूसरे भाषा जो है, दूसरे राज्य की प्रांतीय भाषा से कंपेयर करते हुए बहुत सटीक जवाब देना आपको अति अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का योगदान, ठीक है ना, कि छत्तीसगढ़ी भाषा के योगदान से संबंधित। अब देखिए ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न ने क्या कहा है, पहले प्रश्न ने कहा है कि 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में एक प्रांतीय सम्मेलन को रखा गया था। ये जो प्रांतीय सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया था किस उद्देश्य को लेकर किया गया था, तो जिस तरह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलनों की शुरुआत हुई थी, जो आपके नागपुर से शुरुआत हुई थी 10 जनवरी को, इस वजह से विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ की भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रांतीय सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। इसकी प्रथम शुरुआत कब की गई थी, इस प्रांतीय सम्मेलन की शुरुआत 2013 से की गई थी। लगातार जो आपके प्रांतीय सम्मेलन है 2013 से लेकर कंटिन्यू आपके चले आ रहे थे। 2018 में 19 से 21 जनवरी 2018 को जो आपका प्रांतीय सम्मेलन हुआ, ये 6वां प्रांतीय सम्मेलन था जो राजभाषा आयोग के द्वारा संपादित किया गया था। अब इसमें पूछा है कि यह सम्मेलन किस साहित्यकार को समर्पित था, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न अगर दिए हैं 5 नंबर के, मतलब यहां पर आपका लाइन जो है वो कहां दिया जाएगा, नीचे दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे, 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 6वां प्रांतीय अधिवेशन। अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर विमल पाठक, है ना, उनके नाम को समर्पित था, डॉक्टर विमल पाठक को समर्पित था। या आप क्या लिखेंगे कि 6वां प्रांतीय अधिवेशन, ठीक है ना, साहित्यकार डॉक्टर विमल पाठक को समर्पित था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बताइए, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सरला शर्मा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका लिख सकते हैं डॉक्टर विमल कुमार
पाठक, ठीक है ना। मैं क्या वाला आंसर लिख रही हूँ, आप इसको पूरा सेंटेंस में लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। एक नंबर का है तो, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे, 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 6वां प्रांतीय सम्मेलन या प्रांतीय अधिवेशन साहित्यकार डॉक्टर विमल कुमार पाठक को समर्पित था। दूसरा आप क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बताइए। आप क्या लिखेंगे, सरला शर्मा, ठीक है। और आप पूरा नाम क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम सरला शर्मा है। क्लियर हो गया। और ये क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा 2006 में एक उपन्यास लिखा गया था, माटी के मितान, ठीक है ना। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं अगर आप बहुत डिटेल में जानकारी रखते हैं तो। बाकी रिस्क मत लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूं, अगर आप पूरी तरह से जानकारी रखते हैं तो आप लिख सकते हैं 2006 में माटी के मितान नामक उपन्यास लिखने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला सरला शर्मा को कहा जाता है। और इस तरह आप लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत सा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर काम चोरी नजर नहीं आती, उत्कृष्ट प्रदर्शन नजर आता है आपके उत्तर लेखन का। क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हैं जब आप कंफर्म है तब बेटा ना। अगर आप कंफर्म नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, मैं गलत ना हो जाऊं, तो कुछ नहीं करना। आप क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला उपन्यासकार सरला शर्मा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूरी तरह से मालूम है कि उनके उपन्यास का नाम क्या था, कब लिखा गया था, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ी लघु कथा करगा की लेखिका कौन है। छत्तीसगढ़ी जो आपकी रचना है करगा, इसकी लेखिका कौन है कहता है, तो इसकी लेखिका है हमारे लिए आपकी शकुंतला शर्मा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप छत्तीसगढ़ी लघु कथा संग्रह करगा की लेखिका शकुंतला शर्मा है, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ी लघु कथा संग्रह करगा की लेखिका शकुंतला शर्मा है, ठीक है ना। आप ऐसे वन लाइन में मत लिखिएगा कि मैम आप तो बताए थे तो हम लोग ऐसे ही लिखे, नहीं। अगर वो प्रश्न आपका वन लाइनर वाला है तो भी सेंटेंस हिंदी में पूरा होना जरूरी है। अब है महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद किसने किया। तो आप क्या लिखेंगे, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। शिवायन काव्य के रचनाकार कौन है, तो शिवायन काव्य की रचना नरसिंहदास वैष्णव के द्वारा की गई है, ठीक है। बहुत से बच्चे जो हैं वो इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन मेरा कहना है यदि आपको व्याकरणिक स्तर पर भाषा में सबसे ज्यादा स्कोर करना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, तो आंसर का सटीक और पूर्ण होना जरूरी है। जहां उत्तर लेखन में अधूरापन नजर आए, उसके अंक में भी अधूरापन देखने को मिलेगा। इस तरह अगर वो वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, तो पूरी तरह से उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू करनी है कि आपको इतना समय बांटना होगा कि 100 नंबर की हिंदी को मैं कितना समय दूं, क्योंकि 3 घंटे में 3 पेपर बनाना है। या तो आप एक एक घंटे में 3 का हिस्सा करिए और आप मान के सकते हैं कि 100 नंबर की हिंदी 1 घंटे में समाप्त नहीं होगी। इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 1.5 घंटा आपने हिंदी को दिया, तो 45-45 मिनट करके आप जो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी आपकी अंग्रेजी भाषा को दे सकते हैं। तो सोचिए अगर आपको 45 मिनट बस आपके पास बच रहा है तो उत्तर लेखन पूरा करना है, क्योंकि कल के भी पेपर में देखा होगा कि पूरा वन लाइनर होता है, ऑब्जेक्टिव वाले मतलब आपके ज्यादा होते हैं उसको भी उतारना होता है। तो ऐसे सेंटेंस वाले में अगर समय नहीं बचता तो भी आप पूरी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं, आंसर मालूम है और समय नहीं बचता, ऐसी परिस्थिति में आप यहां पर केवल इतना भी चीज लिख देते हैं, लेकिन नंबर सही होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शकुंतला शर्मा, ठीक है ना, तो आपको नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए जैसा मैंने बताया है वैसा लिखिए, डेली प्रैक्टिस करिए।
डेली रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो ही आप 3 घंटे के पेपर में 3 पेपर को माइंडसेट करना पड़ेगा। हिंदी से जस्ट आप इंग्लिश में आएंगे या इंग्लिश से जस्ट आप हिंदी में चले जाएंगे और छत्तीसगढ़ी के लिए आपके पास समय नहीं बचता। और सबसे ज्यादा इस 200 के प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ ही सबसे ज्यादा आपको अंक देता है। आप बोलेंगे मैडम आप हिंदी की भी बात करते हो, हिंदी में तो है व्याकरण का हिस्सा, पर किस तरह आपने कल देखा होगा कि कल के लेक्चर वीडियो में पार्ट 1 के अंतर्गत आपने पाया कि किस तरह आपको छोटे 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 एक एक लाइन के प्रश्न होते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा और आपका हिंदी का प्रश्न पत्र के बाद छत्तीसगढ़ी बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते इसी के दूसरे हिस्से में। अब यहां पर भी प्रश्नों को मिला देता है, यहां पर भी प्रश्नों को मिला देता है। जैसे कही दे बे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीतकार का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ अंचल के अंदर भी फिल्म जगत की शुरुआत हुई थी। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म 1963 में यानी कि 1963 में आई थी, जो था हमारा कही दे बे संदेश। ठीक है ना, इस फिल्म के बाद में छत्तीसगढ़ अंचल में कभी दूसरी फिल्म का दौर नहीं आया, लेकिन दूसरे फिल्म के तौर पर एक समय आया 1969 में, जो आपकी छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म कहलाती है। नाम थी उसकी घर द्वार। ठीक है ना, तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा है कि कही दे बे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीत को किसने लिखा था। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ी इसके गीत को लिखा था आपके हनुमंत राव नायडू ने। ठीक है ना, तो कुछ किताबों में से हनुमंत नायडू या हेमंत नायडू के नाम से दिया गया है। तो आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखेंगे आपका, लिखेंगे यहां पर आपका हनुमंत नायडू, हनुमंत नायडू। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ही फिल्म कही देवे संदेश के गीतकार का नाम हनुमंत नायडू था। ठीक है, किन्हीं दो छत्तीसगढ़ी व्याकरणाचार्यों के नाम बताइए। अब यहां पर कौन कौन से व्याकरणाचार्य हैं, सबसे पहले तो आपको मालूम होता है कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है, मुंशी हीरालाल काव्य उपाध्याय को कहा जाता है। उनकी एक शुरुआत, उससे प्रभावित हुए हमारे ग्रियर्सन, उसी प्रभावित लोचन प्रसाद पांडे, जिन्होंने उनकी दोनों ने मदद करके उनकी किताब को हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लोगों के समक्ष लाया। उसके बाद यहां पर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पर, इसके व्याकरणों पर विशेष प्रकार के कार्य जो है वो हुए। तो इसमें आपको केवल 2 पूछा है ना, तो आप यहाँ पर हीरालाल काव्य उपाध्याय भी लिख सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो शंकर शेष लिख सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चितरंजन कर लिख सकते हैं। ठीक है ना, व्याकरणाचार्य में। ठीक है, तो नरेंद्र देव वर्मा, शंकर शेष। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपके चितरंजन कर, है ना, आपके मन्नूलाल यदु, ऐसे व्यक्तियों का नाम व्याकरणाचार्य के तौर पर आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखक का नाम बताइए। अब ये भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, तो छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियों पर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया था आपके मन्नू लाल यदु ने। ठीक है ना, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, पर आप इसका पूरा लिखेंगे। जैसे कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीतकार का नाम हनुमंत नायडू है। किन्हीं दो छत्तीसगढ़ी व्याकरणाचार्य के नाम लिखिए, तो छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्यों में शंकर शेष और नरेंद्र देव वर्मा का नाम लिया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन मन्नू लाल यदु ने लिखा है, है ना। उसी पर बिन भाड़ी के अंगना छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो बिन भाड़ी के अंगना कहता है तो इसके रचयिता है हमारे लिए कौन, इसके रचयिता है प्रभंजन शास्त्री। इसे राष्ट्रीय चेतना का कवि भी कहा जाता है। हालांकि ये जो रचना थी बिन भाड़ी के अंगना, ये बहुत ही बड़े आकार की रचना थी, परंतु इतनी खूबसूरत थी लोगों को उबाऊ पर नजर नहीं आता था। तो अब क्या लिखेंगे, बिन भाड़ी के अंगना छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के रचयिता का नाम प्रभंजन शास्त्री है, या आप लिख सकते हैं प्रभंजन शास्त्री के द्वारा बिन भाड़ी के अंगना की रचना की गई थी। सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, हरि ठाकुर। तो सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह के रचयिता हरि ठाकुर है। क्लियर हो गया, इस तरह आपके वन लाइनर आपके प्रश्न पूछे जाते। ठीक, अब देखिए यहां पर फिर से
आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया गया कि 1969 से लेकर 1975 तक बिलासपुर से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका जो छत्तीसगढ़ी थी, मतलब छत्तीसगढ़ी की त्रैमासिक पत्रिका, उसका नाम क्या था, ठीक है ना। तो यहां पर आपको टाइम पीरियड दे दिया कि 1969 से शुरू हुई थी 1975 तक जो शुरुआत में त्रैमासिक थी, और आज वर्तमान में 19 से 20 21 वर्ष हो चुके हैं इस पत्रिका को जो चल रही है। तो आपकी पत्रिका का नाम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, सन 1969 से 1975 तक बिलासपुर से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक छत्तीसगढ़ी पत्रिका का नाम लोकाक्षर है, ठीक है ना। कौन सी पत्रिका है बेटा, वो लोकाक्षर पत्रिका थी, ठीक है ना, जो त्रैमासिक तौर पर प्रकाशित होती थी। त्रैमासिक का मतलब है 3 महीने में एक बार, ठीक। अगला है बियासी गीत के यशस्वी कवि कौन है। बियासी गीत, बियासी के नांगर है ना, ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना है यह एक गीत के माध्यम से कुंज बिहारी चौबे के द्वारा लिखा गया था। तो बियासी गीत के यशस्वी कवि कौन है, कुंज बिहारी चौबे, ठीक है ना। कौन है इसके रचनाकार, कुंज बिहारी चौबे, ठीक है ना। अब है छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रबंध काव्य की शुरुआत करने के प्रणेता कौन माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीति के क्षेत्र में जो गांधी है, साहित्य के क्षेत्र में उसे तुलसीदास की उपाधि दी गई है, और वो कोई व्यक्ति नहीं, उनका नाम है सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा ने प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो खंड काव्य है उसकी शुरुआत जो है वो की थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को अंजाम दिया। इन्होंने ब्रज में राधा कृष्ण का प्रेम का जो प्रवाह था, छत्तीसगढ़ के राधा कृष्ण के तौर पर उसे प्रदर्शित किया, और इनके द्वारा एक खंड काव्य की रचना की गई थी जिसका नाम था दान लीला, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के अंदर सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पहला खंड काव्य दान लीला की रचना जो है वो की गई थी, ठीक है ना। लेकिन देखने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलन में आने वाली रचना में, खंड काव्य में, दान लीला को माना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंदैनी गोंदा के संगीत निर्देशक का नाम बताइए। अब यहाँ पर म्यूजिक किसने दिया था ये पूछा। इसके पहले प्रश्न में क्या पूछा है, गीत किसने लिखा था। अब यहाँ पर पूछा है आपके लिए म्यूजिक किसने दिया है। तो चंदैनी गोंदा के संगीत निर्देशक आपके कौन थे, खुमान साव, ठीक है। इसकी जो चंदैनी गोंदा के संगीत निर्देशक का नाम खुमान साव है, या आप लिख सकते हैं कि चंदैनी गोंदा में संगीत निर्देशन का काम खुमान साव जी के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है, तीरिया जन्म झनी देय इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो यह है हमारे लिए डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा, ठीक है ना। तब क्या लिखेंगे आंसर, आंसर क्या लिखेंगे कि तिरिया जन्म जनी दे इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा हैं। ढोला मारो को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर किस छत्तीसगढ़ी लोक गायिका ने प्रतिष्ठित किया। तो यहां पर लिखेंगे आप सूरज बाई खांडे, ठीक है ना, आप लिखेंगे सूरज बाई खांडे, ठीक है। तो आंसर पूरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूरा हो जाएगा ढोला मारू को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर छत्तीसगढ़ लोक गायिका सूरजबाई खांडे के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, ठीक है ना, या प्रतिष्ठित किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी खंड काव्य गांधी गाथा है ना, इसके प्रणेता का नाम बताइए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, मदन लाल प्रजापति, ठीक है ना। तो आप पूरा आंसर क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ी खंड काव्य गांधी गाथा के प्रणेता मदन लाल प्रजापति हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ी उपन्यास फूटहा करम के रचनाकार कौन है, है ना। तो फूटहा करम के रचनाकार केयूर भूषण को माना जाता है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत अगर हम कहते हैं फूटहा करम, तो किसकी रचना मानी जाती है, केयूर भूषण की रचना मानी जाती है। बहुत से किताबों में इसमें आपका जो नाम है ठाकुर हृदय सिंह चौहान भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है अगला, कभी कभी आपके प्रश्न इसी रूप में है, यानी कि दही में भोरहा माँ के रचयिता कौन है, झापी नाटक के लेखक कौन है, कन्वा संधि के रचनाकार कौन है, छत्तीसगढ़ी पर सीमावर्ती दो राज्य की भाषा
रचनाओं का प्रभाव बताइए, सूरज नहीं मरे किस कवि की रचना है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर पहले प्रश्न ने क्या कहा, दही के भोरहामा, ठीक है। तो यह हमारे लिए है आपके स्वर्गीय भगवती लाल सेन, स्वर्गीय भगवती लाल सेन, ये है हमारे लिए किसके रचनाकार, दही के भोरहामा, इसके रचयिता स्वर्गीय भगवती लाल सेन है। झांपी नाटक किसने लिखा है, तो ये लिखा है जमुना प्रसाद कसार के द्वारा, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ ही में झांपी नामक नाटक के लेखक जमुना प्रसाद कसार हैं। कन्वा संधि अगर हम कहते हैं तो एक कन्वा संधि किसकी रचना है, तो कन्वा संधि हमारे लिए कोदूराम ललित दलित की रचना है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, कोदूराम दलित के द्वारा रचित रचना का नाम कन्वा संधि है, या आप कह सकते हैं कि कन्वा संधि के रचनाकार कोदूराम दलित हैं, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ी पर सीमावर्ती किन दो राज्यों की, किन ही दो राज्यों की भाषाओं का प्रभाव है, किन दो राज्य की भाषा का प्रभाव है, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा पर सीमावर्ती यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंचल किस सीमा के राज्य की दो भाषाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आप यहाँ पर किसी भी क्षेत्र विशेष को लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य की सीमा को छूता है तो वह है उड़ीसा, और पूर्व से और पश्चिम से है आपकी मराठी, ठीक है। तो देखने वाली बात है जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, छत्तीसगढ़ का दक्षिण अंचल आपके पश्चिम से मराठी, पूर्व से उड़िया और दक्षिण से तेलुगु के गोंड के प्रभाव से प्रभावित है। पश्चिम क्योंकि मराठी जिसे खलटा ही कहते हैं, इसमें मराठी और बुंदेली का मिश्रण है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो बघेली उराव का मिश्रण है, थोड़ा सा इसमें भोजपुरी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन पूर्वोत्तर हिस्से में जाते हैं तो यहाँ पूर्णतः उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती पश्चिमी क्षेत्र से मराठी और बुंदेली का और पूर्व से उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कभी कभी किसी वर्ष आपको मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन जो है वो आपकी रचनाकार से रिलेटेड दे देता है। ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर चार लाइन दिया होगा क्योंकि चार विकल्प हैं, तो इसमें आपको लिखना कैसे होगा, इस तरफ लिखनी होगी आपको रचना, ठीक है ना, यहाँ लिखनी होगी रचना और इस तरफ लिखना होगा रचनाकार, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं, जैसे फुटाहा कर्म है हमारे लिए आपके ठाकुर हृदय सिंह चौहान, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी किताब में उसका नाम केयूर भूषण दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सुरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त है हमारे लिए, ठीक है। राम वनवास आपके श्यामलाल चतुर्वेदी है, सियानु गोट जो है कोदूराम दलित है। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर लिखेंगे फुटाहा कर्म, ठीक है ना, बगल में लिखेंगे ठाकुर हृदय सिंह चौहान, फिर आप लिखेंगे आपका सुरता के सोन किरण, सुरता के सोन किरण, ठीक है ना। अब यहां पर आप लिखेंगे उनके रचनाकार का नाम जैसे कि लखनलाल गुप्त, और इस तरह आपको इसमें चार अंक जो है पूरी तरह से दिया जाएगा। कहने का मतलब आप देखिए, एक ही प्रकार के पक्ष है जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाएं हैं, इससे अलग अलग प्रकार के पक्ष में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी गीतकार का नाम लिखिए, कभी प्रथम उपन्यासकार कौन है, इसी प्रकार कह सकता है छत्तीसगढ़ साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की उपाधि किसे दी गई है, तो छत्तीसगढ़ के विद्यासागर रामदयाल तिवारी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरदास कौन है, आपके नरसिंहदास वैष्णव है, ठीक है ना। अंतर्मन के कवि कौन है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी साहित्य के जगह में इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला निबंध कौन सा है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार किसे कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न वो चाहे तो आपको मेंशन कर सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से, धर लेगा कुदारी किसके द्वारा रचा हुआ गीत है, घानी मुन्नी घोर दे इसके रचयिता का नाम बताइए, छन्नर छन्नर पैरी बाजे गीत के रचयिता कौन है, सुरही गया छत्तीसगढ़ कहानी के लेखक का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ी सेवक पत्रिका के संपादन किसने किया। तो छत्तीसगढ़ी सेवक पत्रिका के संपादन का काम जागेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा किया गया, यानी कि जागेश्वर प्रसाद के द्वारा।
ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी सेवक के पत्रिका का संपादन किसने किया? जागेश्वर प्रसाद ने। मैं यहाँ बगल में लिख रही हूँ, परंतु आप परीक्षा में बगल में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। सुरही गैया कहानी के लेखक पंडित सीताराम मिश्र है, ठीक है ना, पंडित सीताराम मिश्र है, ठीक। इसी प्रकार ठीक है, तो आपके यहाँ पर क्या है, छन्नर छन्नर पैरीबाजी का रचयिता है हमारे लिए कोदू राम दलित, ठीक है। इसके बाद आता है घानी मुनि घोरदे, घानी मुनि घोरदे, इसके रचना किया है हमारे रविशंकर शुक्ल जी ने, इसके रचनाकार हैं रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। इसी प्रकार धर लेगा कुदारी, ये रचना है हमारे लिए छत्तीसगढ़ के गजल लेखककार कहलाते हैं आपके मुकुंद कौशल। ये मुकुंद कौशल जो गुजरात के निवासी थे, परंतु अपने मन वचन कर्म से छत्तीसगढ़ अंचल में रह गए। छत्तीसगढ़ अंचल की हर परिस्थिति को गजल गीत के माध्यम से, गजल संग्रह के माध्यम से इन्होंने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया, और यही एक ऐसे रचनाकार हैं जो छत्तीसगढ़ में गजल लेखक के प्रणेता माने जाते हैं। नाम है मुकुंद कौशल। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? धर लेगा कुदारी, इस गीत के रचनाकार मुकुंद कौशल है। घानी मुनि घोर दे, इस गीत के रचयिता पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। छन्नर छन्नर पैरी बाजे, गीत के रचयिता कोदू राम दलित हैं। सुरही गैया, छत्तीसगढ़ की पहली कहानी सुरही गैया की रचना पंडित सीताराम मिश्र के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ी सेवक पत्रिका का संपादन जागेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब बारी आती है अगला, यहां पर आपके छत्तीसगढ़ी के आपके ट्रांसलेशन वर्क, जिसे हम पद टिप्पणी भी कह सकते हैं या ट्रांसलेशन वर्क भी कह सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। यहां दिया है शुरुआत में, जैसे कि सीता पढ़ेगी, वाक्य का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कीजिए। सबसे पहले अब आपको यह मालूम होगा कि फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है ना, यानी कि ये आपके भविष्य काल का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत अगर हम भविष्य काल की बात करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां है एक वचन और यहां है हमारे लिए बहुवचन। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो एक वचन क्या कहता है, मैं हर पढ़ूं, या मैं हर पढ़ा, या मैं हर पढ़ी हा, ठीक है ना। उसी प्रकार तय हर पढ़बे, और ए हर या ओ हर पढ़ी, या ए हर या ओ हर पढ़ी है, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम मन या आप मन पढ़बोन, ठीक है ना, हम मन पढ़बो या हम मन पढ़बोन, ठीक है ना, और तू मन या आप मन पढ़ो या आप मन या तू मन पढ़ी हो, ठीक है। इसी प्रकार ओह पढ़ी, मतलब कि ओहर पढ़ी या ओमन पढ़ी है, ठीक है ना, या ओमन करही या ओमन करी है। अब यहां पर पढ़ेगी कह रहा है, मतलब ये हमारे सीता क्या है, थर्ड पर्सन है। सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या बनेगा, सीता पढ़ी, यानी क्या बन जाएगा, सीता हर पढ़ी, है ना, सीता हर पढ़ी, ठीक है ना, इसका पढ़ेगी, ठीक है ना, सीता हर पढ़ी लिख सकते हैं या सीता हर पढ़ी, इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बारी आती है आपके, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। अब देखने वाली बात है कि जब 2015-16 की बात की जाए, तो उस समय आपको हिंदी प्रशासनिक शब्द का छत्तीसगढ़ी में और छत्तीसगढ़ी का हिंदी प्रशासनिक शब्द में लिखने के लिए दिया जाता था। जैसे कि अगर कहता था वकील को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, तो हम लिखते थे उकील। इसी प्रकार तहसील को लिखते थे तहसील। कभी कभी इंग्लिश का वर्ड दे देता था। एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, तो आवेदन या अर्जी लिखा जाता था, ठीक है ना। उसी प्रकार कोर्ट है तो कचहरी लिखा जाता था। अब जब इसको स्पष्ट तौर पर मेंशन नहीं किया, तो जो आपको ट्रांसलेशन वर्क देता है ना, उस ट्रांसलेशन वर्क के अंतर्गत उन चीजों को रखता है या साधारण से शब्दकोश के शब्दों को लेकर चलता है। तो निम्नलिखित हिंदी वाक्य का अनुवाद कीजिए कह रहा है छत्तीसगढ़ी में। अगर वो 8 नंबर का है, 8 प्रश्न है आपके, नंबर 1, 2, 3, 4, तो इच क्वेश्चन में आपके, इच लाइन में आपके 1 मार्क्स है। अगर वो 4 है, अगर वो 4 है तो 2-2 नंबर का है, अगर 8 है तो 1-1 नंबर का है। प्रश्न में देखिए, हम पहले ही नियंत्रक से रिपोर्ट मांग चुके हैं। अब इन चीजों के लिए आपको छत्तीसगढ़ी के व्याकरण में
साथ में आपको आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, तुम, यह, वह, ये जितने भी है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, यहाँ तक क्योंकि क्रिया के शब्द, इसी प्रकार काल का जानकारी का होना जरूरी है, साथ ही कारक रचनाओं की जानकारी का होना जरूरी है। तो हम पहले ही कहता है, तो हमको छत्तीसगढ़ी में हम मन कहते हैं, तो हम मन पहले ही नियंत्रक ले रिपोर्ट मांग चुके हैं या मांग चुके हवन कहेंगे। मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए, तो मंत्रालय ले परामर्श किए जाना चाहिए। इसी प्रकार पावती की अभी तक प्रतीक्षा है, पौती के अभी ले प्रतीक्षा है। इसी प्रकार इसका उत्तर वाप से डाक से भेजा जा रहा है, एकर जवाब लहुटती डाक ले भेजे जावत है। इस प्रकार आपको इसका आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। मान लीजिए अगला है, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, तो छत्तीसगढ़ी में से के बदले ले का प्रयोग भी किया जाता है। मैं कब ले तोर रद्दा देखत रहे हूं, इसके लिए आपको टेंस की जानकारी का होना जरूरी है, ठीक है ना। इसी प्रकार अच्छा किया जो तुम आ गए, तो अच्छा किया को छत्तीसगढ़ी में कहते बने करे, है ना, बने करे जेते आ गए, ठीक है। इसी प्रकार नानी बच्चों को सुलाने के लिए कहानी सुना रही है, तो नानी को कहते हैं मामा दई, बच्चों को कहते हैं लईका, सुलाना को कहते हैं सुताए, है ना, और कहानी को कहते हैं किस्सा या धंधा, ठीक है। तो क्या बनेगा, मामा दई लईका मन ला सुताए खातिर किस्सा सुनावत है। इसी प्रकार पानी कम बरसने के कारण खेत में दरारी पड़ गई, तो पानी कम बरसे के कारण खेत में दरगार फाट गए। इसी प्रकार वह मुझे देख कर बार बार मुस्कुरा रहा है, ओह मोला देख के बार बार मुस्कियावत है ना। और इस तरह आपके अनुवाद से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत कुछ और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पर, थोड़े से छत्तीसगढ़ी की साहित्यिक रचनाओं को छोड़कर रचना आपके जो आपके पक्ष में बचते हैं अनुवाद लेखन, उन सब को लेकर एक लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। अब तक मेरे साथ बने हैं, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, और हमेशा की तरह लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। Thank you.